अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? तो दोस्तों बात करें थालापति विजय सर की फिल्म मास्टर के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बताना चाहूंगा दोस्तों थालापति विजय सर की फिल्म मास्टर को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 6 दिन होने में आ चुके हैं और इस फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कर ली है ताबड़तोड़ कमाई और ये फिल्म हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट। जी हाँ दोस्तों, लोकेश कनकराज के डायरेक्शन में बनी मास्टर फिल्म, जिस फिल्म में हमें थालापति विजय सर के साथ में देखने को मिली थी मालविका मोहन और मक्कल 7 विजय सेतुपति। दोस्तों मास्टर फिल्म को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था हिंदी वर्जन के साथ में और इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड टोटल 3000 से भी ज्यादा स्क्रीन मिली थी। दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ से भी ज्यादा का कर लिया था। लेकिन बात की जाए इस फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों मास्टर फिल्म ने शुरुआती 5 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया है सभी भाषाओं में 96,60,00,000 रुपए। वही दोस्तों 5 दिनों में मास्टर फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 112,20,00,000 रुपए हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि 5 दिनों के अंदर ही मास्टर फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि इंडिया के बाहर टोटल कलेक्शन किया है 32 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों मास्टर फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है 5 दिनों में वो हुआ है 144 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड मार्केट में 144,20,00,000 रुपए की कमाई की है। लेकिन बात की जाए मास्टर फिल्म के हिंदी वर्जन कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि मास्टर फिल्म को हिंदी वर्जन में 14 तारीख को रिलीज किया था, जिसके चलते इस फिल्म के विजय द मास्टर यानी कि हिंदी वर्जन को रिलीज हुए अभी सिर्फ 5 दिन हुए और इस फिल्म के जो शुरुआती 4 दिनों का हिंदी वर्जन का कलेक्शन है वो रहा लगभग 1,80,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में शुरुआती 4 दिनों के अंदर 1,80,00,000 रुपए की कमाई कर ली है। वही दोस्तों बात करें मास्टर फिल्म के 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों 6 दिन है मंडे और मंडे के बाद सभी फिल्मों की जो टिकट रेट है वो कम हो जाती है, साथ ही साथ मंडे वर्किंग डे होने की वजह से सभी फिल्मों को कलेक्शन कम आने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मास्टर फिल्म के साथ भी मंडे के जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होने की उम्मीदें हैं। आपको बता दें दोस्तों फिल्म को मंडे यानी कि अपने 6 दिन ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी मिली है मॉर्निंग के शोज में। तो दोस्तों यहाँ कहा जा सकता है कि मास्टर फिल्म अपने 6 दिन यानी कि मंडे ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए का कर सकती है। अगर फिल्म 6 दिन 8 या 10 करोड़ की कमाई कर लेती है तो फिल्म का शुरुआती 6 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 105 से 107 करोड़ रुपए का हो जाएगा। वही दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 6 दिनों में 155 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो जाना है। बता दें दोस्तों मास्टर फिल्म सभी भाषाओं में सुपरहिट हो गई है, लेकिन इस फिल्म को हिंदी वर्जन में हिट होने के लिए अभी काफी ज्यादा कमाई करना होगी। वैसे दोस्तों मास्टर फिल्म हिंदी वर्जन में काफ़ी लंबी चलने वाली है क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से अभी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी, तो जब तक बॉलीवुड की तरफ से कोई फिल्म रिलीज नहीं होती है तब तक मास्टर का जो हिंदी वर्जन है विजय द मास्टर वो सिनेमाघरों में थोड़ी ही थोड़ी लेकिन एक लंबी कमाई करने वाली है। वही दोस्तों बात करें सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ हमें देखने को मिलेगी कैटरीना कैफ। साथ ही साथ दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म में दो दो बड़े सुपरस्टार का कैमियो है, एक तरफ है हमारे बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन, वही दूसरी तरफ है सिम्बा रणवीर सिंह। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि सूर्यवंशी फिल्म पिछले साल यानी कि 2020 में 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन लगने की वजह से फिल्म के रिलीज डेट आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन जितने भी अक्षय कुमार के फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सूर्यवंशी फिल्म को आखिर कब रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्यवंशी फिल्म की जो अभी रिलीज डेट आ रही है वो बताई जा रही है 2 अप्रैल या 26 मार्च। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सूर्यवंशी फिल्म के मेकर्स सूर्यवंशी फिल्म को या तो 26 मार्च को रिलीज कर सकते हैं या फिर 2 अप्रैल को। लेकिन दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है कि सूर्यवंशी फिल्म का एक जो ट्रेलर पहले ही यूट्यूब पर रिलीज हुआ था पिछले साल, उस ट्रेलर को रिलीज हुए तो अब साल भर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सूर्यवंशी फिल्म के जो मेकर्स है वो फिल्म को जहाँ इस साल रिलीज कर रहे हैं तो इस फिल्म का बज़ बनाने के लिए
ही सूर्यवंशी की टीम सूर्यवंशी फिल्म का एक जो नया ट्रेलर है वो फरवरी महीने में रिलीज करने वाली है टिप टिप बरसात सॉन्ग के साथ में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि सूर्यवंशी फिल्म में अक्षय कुमार का ब्लॉकबस्टर सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी भी हमें देखने को मिलेगा कैटरीना कैफ के साथ में। तो यहाँ पे सूर्यवंशी फिल्म के मेकर्स फरवरी महीने में टिप टिप बरसा सॉन्ग के साथ में इस फिल्म का एक छोटा सा टीजर रिलीज करने वाले हैं, ताकि सूर्यवंशी फिल्म का जो बज है वो सिर्फ एक गाने और एक छोटे से ट्रेलर से फिर से बढ़ जाए। वैसे दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म जब भी रिलीज होगी तब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाएगी, 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़ रुपए? अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।